दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाने लाया हूँ, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ घर की, तो जो हमारा आज का घर रहेगा मेरे उन दोस्तों के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है, तो लेकिन हमारा मन ऐसा है कि हमें एक इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए। तो दोस्तों घर जो हमारा रहेगा कुछ ऐसा ही रहेगा आज का, कि एक इंडिपेंडेंट हाउस मिलेगा हमें बहुत ही कम बजट के अंदर है। तो ये मत सोचना कि हमें जो बहुत लग्जरी आइटम मिलेगी यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ मिलेगी। बिल्कुल 55 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है हमारा, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, वन बेडरूम हॉल किचन मिलेगा, और अगर आप ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों घर जो रहेगा हमारा मोहाली के अंदर रहेगा, सेक्टर 120, बिल्कुल एक अच्छी रोड के, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर मिल जाएगा हमें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, चंडीगढ़ से बिल्कुल आपका शायद जो रहेगा अराउंड 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा यहाँ से, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो लोकेशन बहुत खास है यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा देखिए और मज़े लीजिए। दोस्तों आपके सामने है एक प्यारा सा घर हमारा आज का, जो कि बिल्कुल लो बजट के अंदर 1 BHK हमें मिल रहा है। फ्रंट आपका जो है पूरा टाइल्स के साथ कवर किया गया, जो हमारे और घर बन रहे हैं उसमें टाइल्स के डिज़ाइन थोड़े से अलग है। 1 BHK रहेगा 55 स्क्वायर यार्ड के अंदर, फ्रंट जो हमारी रोड रहेगी वो 22 फीट की रहेगी। और अंदर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा पार्किंग एरिया आया था जहाँ पे हम अपना 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं। स्टेज पे सारा आपका जो रहेगा ग्रेनाइट रहेगा, रेलिंग अभी यहाँ पर लगनी बाकी है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा घर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी आइटम नहीं मिलेगी। और देखिए रूफ हमें यहाँ पर मिल रही है, तो इसका मतलब हम ऊपर जो 2 फ्लोर्स और बना ले सकते हैं। तो यही इस घर की एक खास चीज़ है कि हमें लो बजट के अंदर 1 BHK के बजट के अंदर जड़ से हमें अपना घर मिल जाता है, जैसे हम इन फ्यूचर जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, और हाईवे से भी आपका जो रहेगा अराउंड 500 मीटर के इसका डिस्टेंस रहेगा। और मेन एंट्रेंस डोर आपका सारा वुडन रहेगा, और अगर आपके पास 2-व्हीलर है तो वो आपका बाहर पार्क होगा यहाँ पर रोड के ऊपर। डिज़ाइनर डोर हमें यहाँ मिल जाता है वुडन, ऊपर रोशनदान मिल जाता है। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं हमारे पास एक हमारा ड्राइंग एरिया हमें नज़र आता है, जहाँ पे ऊपर आपको जो है प्लस माइनस POP डिज़ाइन मिलता है, नीचे आपकी वेट्रीफाइड डबल चार टाइल्स मिल जाती हैं यहाँ पर। पिंक कलर यहाँ पर किया गया, चेंज करना कर सकते हैं। और इस तरफ हमारी किचन आए थे जो कि एल शेप के अंदर है, सामने आपको खिड़की दिख रही है एक अच्छी वेंटिलेशन के लिए। टाइल्स आपको पूरी यहाँ पर लगी मिलेंगी, सिंक मिलेगा, डबल टैप मिलेंगे, ग्रेनाइट की आपको शेल्फ मिलेगी पूरी यहाँ पर। और देखिए अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो हमारे पास जो है इजीली यहाँ पर 5-सीटर जो है सोफ़ा सेट लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आना जाना इजी रहेगा। और यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक रोशनदान है, और ठीक यहाँ पर हमारे पास सिंक है जो कि गेस्ट हमारे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक खास चीज़ जो हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और टाइल्स यहाँ पर भी आपकी सीलिंग की हाइट तक रहेंगी, और आपके ठीक यहाँ पर आपका जो है बेडरूम आ जाता है। और दोस्तों बेडरूम जो रहेगा हमारा 10x11 का रहेगा। और दोस्तों बता दूं अगर कलर्स आपको कोई चेंज करने वो हो सकते हैं किसी भी तरह के, है ना। तो ऊपर आपके पास काफ़ी स्टोरेज है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 1 BHK लो बजट के अंदर 55 स्क्वायर यार्ड के अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए घर के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।